अभी हमने ओरल और रिटर्न जो था उसके बारे में डिस्कस किया था, अब डीपली रिटर्न में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा रिटर्न इवैल्यूएशन में है उसके अंदर रिटर्न इवैल्यूएशन में दो आते हैं, एक आपका एसे टाइप हो गया और एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको डीपली हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए एसे टाइप लिख दिया है और आपको समझा देती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा जो रिटर्न इवैल्यूएशन आप करते हैं वो एसे टाइप यानी कि निबंधात्मक के रूप में करते हैं, बच्चों से एसे राइटिंग करवा सकते हैं। तो उसके कुछ गुण आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि एसे यानी कि निबंधात्मक क्वेश्चन कैसे होते हैं, कि निबंधात्मक क्वेश्चन में कोई टाइम या जो एक थॉट्स को एक्सप्रेस करने का ना कोई वे नहीं होता है। मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो आपके लिए चार ऑप्शंस होते हैं आपको उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, वहाँ पे आपको अपने व्यूज़ नहीं बताने होते, वहाँ पे अपनी थॉट्स नहीं बतानी होती। लेकिन निबंधात्मक में आपको अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं निबंधात्मक प्रश्नों में यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपको रखनी होती है। ठीक है, कि एक टॉपिक के ऊपर आप कितना प्रॉपर वे में सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या समझ है, आप कैसे उसको और ज़्यादा इफेक्टिव या क्रिएटिव बना सकते हो अपने विचारों से, वो चीज़ देखी जाती है। आपकी भाषा देखी जाती है कि आप वहाँ पर किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे व्यापकता देखी जाती है, मतलब एक गहराई देखी जाती है क्वेश्चन की कि आपने किसी टॉपिक के ऊपर या कॉन्सेप्ट के ऊपर कितनी गहराई से विचार किया है, कितना ज़्यादा उसको डीपली समझा है। ठीक है, वो होते हैं आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस यानी कि निबंधात्मक प्रश्न। अब उसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स इसका है पहला सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता का गुण, यानी कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर सरलता का गुण पाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टीचर के लिए ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाने बहुत इजी होते हैं। उनको पता है कि एक चैप्टर है, एक चैप्टर जब वो पूरे चैप्टर को खंगालते हैं तो उसमें से पाँच या छः क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पाँच या छः क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो वो एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं कि पाँच और छः क्वेश्चंस आपके लिए दो घंटे में सेलेक्ट कर दिए गए कि आपको ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में बतानी है। तो यानी कि सरलता का गुण लिए हुए, आपको बहुत इजी होता है किसी भी चीज़ को मेंटेन करना, बनाना, मॉडिफाई करना। लेकिन हाँ, एक बार सेट करने के बाद जब आप बच्चे को दे देंगे तो उसके बाद आप उसमें फ्लैक्सीबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान करनी है कि एक लेसन या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें इवैल्यूएट करनी है, कौन कौन से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन रखने हैं और कितना उसको सिंपल बनाना है, कितना उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। जितना सिंपल होगा बच्चों को उतना ईजी होगा किसी भी चीज़ को समझने के लिए या उसको आंसर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। अब इसमें स्वतंत्रता किस चीज़ की होती है? स्वतंत्रता होती है विचारों की, यानी कि आपकी थॉट्स की, आपकी थिंकिंग के लिए। यानी कि बच्चों को एक फ्रीडम दी जाती है, एक बाउंडेशन नहीं, एक फ्रीडम दी जाती है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या थॉट्स हैं। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दिवाली या दशहरा में डिफरेंस क्या है, या दशहरे पे आप निबंध लिखिए, या दिवाली के ऊपर निबंध लिखिए, या किसी भी चीज़ के बारे में लाइक ताजमहल के बारे में बताइए। तो वो ऐसे टाइप हो गया कि ताजमहल की व्याख्या कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो वहाँ पे आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो कि थॉट्स बता सकते हो कि हाँ ताजमहल इस कलर का है, इसने बनवाया, उसने बनवाया। सब बच्चों के अकॉर्डिंग क्या है, सबकी थॉट्स अलग अलग होंगी, सबके विचार अलग अलग होंगे। तो आपको अपने थॉट्स को वहाँ पर एक्सप्रेस करना है कि आपकी क्या थिंकिंग है या आप क्या सोचते हो उस चीज़ के बारे में। ठीक है, वहाँ पर इस चीज़ की स्वतंत्रता दी जाती है आपको, ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में खड़े होकर उछलना कूदना शुरू कर दिया, वो फ्रीडम दी जा रही है। उस टाइप की फ्रीडम नहीं दी जा रही आपको, वहाँ पे आपके थॉट्स और आपकी थिंकिंग को फ्रीडम दी जा रही है कि आप अपने आप को कितना प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है एक्सटेंसिवनेस यानी कि व्यापकता। एक्सटेंसिवनेस होता है आपका व्यापकता, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आप कितनी गहराई से समझते हो,
कितने ज़्यादा उसमें व्यापकता है, अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है तो आप वो चीज़ वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो, ओरली में आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओरली में आपसे अगर मैम ने कोई सेम क्वेश्चन पूछा है तो आप वहाँ पे 2 से या 3-4 ही पॉइंट अपने एक्सप्रेस कर पाओगे, देन टर्न आउट करके मैम नेक्स्ट टर्न किसी और की दे देंगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ आप नहीं कर सकते, लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को क्या है प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर सकते हो। वहाँ पे कोई टाइम या बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे व्यापकता यानी कि आप गहराई को भी रख सकते हो कि किसी चीज़ के बारे में आप कितना डीपली सोचते हो, या किसी चीज़ को लेके आपके आपके थॉट्स कितने डीपली हैं, या उसमें ये चीज़ भी रख सकते हो। आप ज़रूरी नहीं कि कंटेंट से रिलेटेड आप किताबी भाषाएं छापो, आप अपने विचार के अकॉर्डिंग उसमें अच्छाई या बुराई बता सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ होनी चाहिए या मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है, या उसमें ये चीज़ हम बदलाव कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ चेंजेस कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो जो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गया उसमें व्यापकता भी पाई जाती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी में क्या आता है, संगठनात्मक क्षमता, यानी कि आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर किसी चीज़ को यानी कि जो अपने थॉट्स और थिंकिंग है उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना आता है। आपको पता होता है कहाँ पे लैंग्वेज किस टाइप की सेट करनी है, या क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहाँ से उठाना है, कहाँ से उसको सेट करना है। आप डायरेक्ट आप कोई मिडल पॉइंट तो बीच में नहीं डाल सकते ना, आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे। जैसे पूछ लिया कि ताजमहल की व्याख्या कीजिए, तो आप सबसे पहले ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि ताजमहल आगरा में है या फिर किसी जगह पर है, या फिर ताजमहल को किसने बनवाया, सन इस साल में बनवाया, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। उसको बीच में से जो उसका मिडल पॉइंट है वो नहीं रखेंगे। तो आपको एक ऑर्गेनाइज वे में उसको मैनेज करना आता है, अपने वर्ड्स को, अपनी स्टेटमेंट को, कि एक प्रॉपर वे में मुझे कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है, एक प्रॉपर वे क्या होगा लैंग्वेज का, या फिर एक सिस्टमेटिकली सीक्वेंस क्या होंगे, अरेंजमेंट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें अपने थॉट्स को, अपने विचारों को क्या है सीक्वेंसली अरेंज करना, कन्वर्ट करना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेबिलिटी के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, इवेल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी। ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर जो निबंधात्मक क्वेश्चन होता है उसके अंदर जो इवेल्यूएशन होता है वो आपकी भाषा क्षमता का भी होता है। भाषा क्षमता का कैसे होता है, जब आप अपने विचार रखेंगे, अपने थॉट्स और थिंकिंग किसी चीज़ या किसी टॉपिक के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे, तो वहाँ पे आपकी लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाएगा, वहाँ पे आपकी भाषा पर ध्यान दिया जाएगा कि आप वहाँ पे किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अब वहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना आपके दिमाग में आ रहा है कि ताजमहल के बारे में कि यार ये तो ऐसा है, इसका कलर वैसा है, तो आप वहाँ पे ये तो नहीं लिखेंगे ना यार इसका कलर तो वाइट है, ब्लैक होना चाहिए था, तो वो लैंग्वेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि ताजमहल सफ़ेद कलर का है, उसको अकबर ने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया, या ऐसे ऐसे करके किसने सन में बनवाया, कब बनवाया और कहाँ पर है, इस तरह की चीज़ें रखेंगे। तो आपकी भाषा का वो रखा जाता है कि आपकी जो भाषा के ऊपर पकड़ है या डीप नॉलेज है, ग्रामर कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ भी आपकी ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर देखी जाती है, ठीक है। ये थे इसके मेरिट्स हमने डिस्कस कर लिए, यानी कि इसके गुण क्या थे ऐसे टाइप क्वेश्चन के। अब सेकंड हम बारी आती है डी मेरिट्स यानी कि अवगुणों की। अब हम अवगुण डिस्कस करते हैं। पहला जो इसका डी मेरिट है वो ये है गेस एंड रीड। बच्चे क्या होता है, कई बारी किसी चीज़ के बारे में अगर बच्चों को आंसर नहीं पता होता तो बच्चे वहाँ पे तुक्का भी मार सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर बच्चे की कोई डीप नॉलेज नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि अगर मान लीजिए ताजमहल के बारे में आपको डीप नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता है कि उसका कलर पता है या फिर ये पता है कि कहाँ पर है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो आपको लिखनी है ना ऐसे में, वो खिचड़ी पका के आप अपने अनुसार कुछ भी तुक्के मार के, या उसमें किताबी भाषा या कुछ सुना होगा कभी, या ऐसी चीज़ें करके इंक्लूड करके कुछ भी लिख दोगे, बाद में पता चलेगा इवैल्यूएशन के बाद कि वो कितना आपने सही लिखा है या कितना सही नहीं लिखा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें अनसाइंटिफिक मार्किंग, यानी कि अवैज्ञानिक मूल्यांकन होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका डीमेरिट। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब इवैल्यूएशन किया जा रहा होता है टीचर के थ्रू,
तो हो सकता है कि टीचर का मूड अपसेट हो, उसका घर पे लड़ाई झगड़ा हो गया हो, बच्चों ने परेशान किया हो, या किसी बात से वो परेशान हो, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर आप वो उस टाइम पे आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रही हैं या आपका एसे चेक कर रही हैं, तो उस टाइम पे वो इतना ध्यान नहीं देंगी, मतलब इतना फोकस नहीं रहेगा उनका उस टॉपिक के ऊपर. वो फटाफट बस ऊपर की दो लाइनें पढ़ी, लास्ट की दो लाइनें पढ़ी, और जितना मन चाहा मार्क्स आपको ग्रेडिंग वहाँ पर कर दिया. ठीक है, तो ये अनसाइंटिफिक मार्किंग हो जाती है टीचर्स के थ्रू, कि वहाँ पे वो अपनी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखती है कि शिक्षक की मनोदशा क्या है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता. कोई भी टीचर अपने मन से नंबर दे देता है, कोई डिस्टर्ब होता है या कोई फीलिंग अपसेट होती है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर दे दिए कि जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, बस भागना है, बाहर जाना है या कहीं पे उन्हें जाना होता है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में वो मार्किंग गलत कर देते हैं. ठीक है, और दूसरा आता है समय की कमी. समय की कमी में मतलब लैक ऑफ टाइम कैसे हो जाता है कि अगर टीचर के पास टाइम कम होता है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़्यादा होती हैं चेक करने के लिए, तो वो वहाँ पे भी जो ग्रेडिंग और मार्किंग करनी होती है उसमें भी बहुत जल्दी जल्दी दिखाती है कि उसको एक घंटे में ये सारी कॉपीज़ 100 कॉपीज़ फिनिश करनी है एक घंटे में, तो वो फटाफट क्या है ज़्यादा उसको डीपली नहीं पढ़ती है और कुछ भी कि 5 नंबर में से देने हैं तो 2 दे दिए 3 दे दी, बस ये देखती है कि राइटिंग कितनी अच्छी है, राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी थॉट्स और थिंकिंग और डीपली नॉलेज नहीं देख चेक कर पाती हैं कई बार टीचर्स कि बच्चे ने कितने प्रॉपर वे में एक्सप्रेस किया है या बच्चे की नॉलेज कितनी है. वो सिर्फ राइटिंग और उसकी लेंथ को देखकर नंबर मतलब मार्किंग कर देती हैं कि राइटिंग अच्छी है तो 2 नंबर दे दिए, और जो क्वेश्चन की लेंथ है कि अगर वो एक पेज में लिखा है, हाफ पेज में लिखा है, तो उस हिसाब से क्या है मार्क्स दे देती हैं. ठीक है, उसके बाद आता है कि परीक्षक या शिक्षक की पूर्व निश्चित धारणा, मतलब प्रिस्क्रिप्शंस बना लेती हैं टीचर्स अपने माइंड में पहले से ही. कई बार ऐसे होता है ना कि आपके क्लास में आपके कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ आपको बहुत पसंद नहीं होते हैं, तो उनके बारे में पहले से ही टीचर्स के माइंड में कुछ प्रिस्क्रिप्शंस बन जाते हैं कि ये बच्चा तो अच्छा कर ही नहीं सकता, क्या पता उस बच्चे ने उस टॉपिक पे या जो भी आपने इवैल्यूएट करना है या आपने कॉन्सेप्ट रखा है बच्चे के इवैल्यूएशन के, उस टॉपिक पे बच्चा उस दिन बहुत अच्छा करके आया हो, अपने आप को प्रिपेयर करके आया हो और बच्चे ने बाकी बच्चे से भी अच्छा किया हो, लेकिन आपके जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं ना वो बीच में आ जाते हैं, मतलब वहाँ पर आप बच्चे की डीप नॉलेज और ये सब चीज़ें चेक नहीं करते. वहाँ पे क्या होता है, आप बच्चे से ही बच्चे के बारे में पहले से ही थॉट बना लेते हैं कि ये बच्चा तो अच्छा कर ही नहीं सकता, तो इसलिए जब उसकी कॉपी आती है कि इसकी इस बच्चे की कॉपी है, ठीक है इसने क्या लिखा होगा वही लिखा होगा बेकार सा, बस उसको मार्किंग करी, फटाफट नंबर दिए और आगे बढ़ गए. ठीक है, तो इसीलिए जो अनसाइंटिफिक मार्किंग होती है उसमें ये चीज़ भी आती है कि जो बच्चे टीचर्स की पहले से प्रिस्क्रिप्शन होती है किसी बच्चे के प्रति, पूर्व धारणा होती है, वो बना ली जाती है कि अच्छे बच्चों को मार्क्स अच्छे देने, क्या उसने अच्छा लिखा हो या ना, और जो हमारे फेवरेट नहीं है क्या वो कितना भी अच्छा या वेल एंड गुड अपनी तरफ से बेस्ट दे तो उसको मार्क्स अच्छे नहीं देने हैं. ठीक है, एक इसका डीमेरिट ये है. उसके बाद वैग्यू मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों का अस्पष्ट रूप. इसमें क्या आता है, कई बार ऐसे होता है कि जो आप क्वेश्चन सेट करते हैं ना उसकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होती है. हर किसी का होता है ना कि किसी भी बात का डबल मीनिंग निकलता है या एक बात का दो दो मीनिंग होते हैं, कि ज़रूरी नहीं जिस आपकी कही गई बात को मैं जिस अनुसार ले रही हूँ दूसरा बच्चा भी उसी रूप में ले रहा हो. तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है या उसका मीनिंग है वो सभी बच्चों के लिए सेम होना चाहिए. ये नहीं कि किसी बच्चों ने उसको किसी और वे में ले लिया और किसी बच्चे ने उसको किसी और वे में ले लिया. ठीक है, सभी बच्चों के लिए जो क्वेश्चंस की जो सिंप्लिसिटी है या क्लैरिफिकेशंस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डबल मीनिंग और इस टाइप से नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे तो कोई और बच्चा तो उसका कुछ और आंसर लिखेगा और कोई और बच्चा उसका कुछ और आंसर लिख सकता है. ठीक है, उसके बाद इसमें लास्ट आता है इसका डीमेरिट कि रोट मेमोरी, यानी कि रटन पर बल. जो आपका इवैल्यूएशन मतलब सॉरी जो आपका एसे टाइप इवैल्यूएशन होता है उसमें रोट मेमोरी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि रटन पर बल दिया जाता है. कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चे को मान लीजिए ये वाला चीज़ लर्न करनी है, कॉन्सेप्ट रेडी करना है अपने लिए कि आज इसमें से टेस्ट है, तो उसको उसमें से कुछ लाइनें समझ नहीं आती, कुछ पॉइंट समझ नहीं आते, लेकिन बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए तो उसको प्रिपेयर करना ही है,
तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चा क्या है उसको रट लेता है एक टाइम के लिए कि जब तक मेरा टेस्ट होगा या मैम इवेल्युएट करेंगी वो तब तक के लिए ठीक है, मैं उसका रट्टा मार लेता हूँ। तो वो मतलब किसी भी चीज़ को रट लेता है फटाफट, और जाके जब उसको दिखता है कि ये वाला क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करके फटाफट उसको कॉपीराइट करके और ख़त्म करता है। उसके बाद उसको याद ही नहीं रहता कि उसने लर्न क्या किया था, उसके बारे में उसके थॉट्स क्या थे या कोई भी चीज़, ठीक है। कई बार बच्चे अपना जो अपनी फीलिंग होती है, अपनी थिंकिंग होती है, अपने थॉट्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करने में भी डरते हैं कि कहीं मैं ऐसा लिख दूँ तो मैम को गलत ना लगे या अच्छा ना हो या बाकी बच्चों से मुझे अच्छे मार्क्स ना मिले। तो वो वाली फीलिंग के अंदर भी बच्चे क्या करते हैं, रटने पर बल देते हैं कि रोट मेमोरी कर लेते हैं कि इसको जो भी किताब में लिखा है हूबहू वैसे ही बिल्कुल टू कॉपी में रट लेता हूँ, अगर वही कॉपी पेस्ट करूँगा तो मेरे को ज़्यादा अच्छी मार्किंग वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये थे एसे टाइप यानी कि निबंधात्मक जो क्वेश्चन थे आपके, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर लिए। अब इसमें जो रिटर्न एग्जामिनेशन यानी कि रिटर्न एवेल्युएशन में जो सेकेंड टॉपिक है वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पता ही है उनकी वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स आते हैं, मैचिंग आती है और अरेंजमेंट सीक्वेंस आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप को मैं मोटा मोटा उनके मेरिट डीमेरिट्स आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगी, तो इसके बाद हम वो वाला टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।